श्री राम ने स्वीकार किया 14 साल का वनवास। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी आग हुई छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम बनाया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानंद रावण की है वो, उसने चटकार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानंद रावण कर ना सका सहन। भिक्षाम दे साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। तुम्हारी एक छोटी सी भूल से ऋषि सामरत का यज्ञ भंग हो गया था, उन्होंने तुम्हें दंडित कर दिया। ये उसी श्राप का परिणाम है कि तुम अपनी समस्त शक्तियां भूल गए। अपनी विलक्षण शक्तियों का स्मरण करो पुत्र हनुमान। स्मरण कीजिए महाबली हनुमान जी, स्मरण कीजिए। प्रभु श्री राम ने वारण सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
उनका काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से काम गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। सारे राज्य में डांडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।